हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरो थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आप सबका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है अरोमा असेंशियल ऑयल्स के साथ में, और कुछ इसी तरह के बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव अरोमा असेंशियल ऑयल्स के बारे में हम आपको बताते हैं अपने इस चैनल पर। आज जिस ऑयल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो अरोमा थेरेपी में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ माना जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्जोरम असेंशियल ऑयल्स के बारे में। इस ऑयल के बारे में हम बात करेंगे, क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, क्या हम इससे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ के साथ उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिन्हें आप इस चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे और उनको भी इस चैनल पर मिलने वाली इंफॉर्मेशन से फायदा हो, तो शेयर जरूर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मार्जोरम जो है दोस्तों, वो एक बेसिकली जो मिंट फैमिली होती है, जिसको हम पुदीना फैमिली बोलते हैं, बिल्कुल उसी फैमिली का एक मेंबर प्लांट है, उसी फैमिली की एक स्पाइस प्लांट है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में उगाई जाती है। हिंदुस्तान में इसका कल्टीवेशन, इसकी जो खेती होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अरोमा थेरेपी के असेंशियल ऑयल्स निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री के हिसाब से मार्जोरम जो असेंशियल ऑयल है, वो पेन्स, किसी भी तरह के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि मार्जोरम असेंशियल ऑयल उस समय पर बहुत इजीली अवेलेबल होता था। और मार्जोरम असेंशियल ऑयल्स को निकालने के लिए, क्योंकि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्योंकि पत्तियों से असेंशियल ऑयल बहुत ईजीली निकल जाता है, इसलिए इसे सिंपल पीस करके दर्द वाली जगह पर लगाया जाता था। और इसकी खुशबू से और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जहाँ पर भी बहुत पुराने से पुराना दर्द होता था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता था। और जैसे जैसे अरोमा थेरेपी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुए, तो मार्जोरम असेंशियल ऑयल को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट आता है दोस्तों मार्जोरम असेंशियल ऑयल का, वो आता है, ये आपका जो पेट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर आपको किसी भी तरह का नौशिया फील होता है, या आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, या आपके पेट में अगर कभी कभी मरोड़े फील होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपने खाना खाया और आपको तुरंत मोशन का फीलिंग हो रहा है, आपको तुरंत ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, जिसको हम इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, IBS की प्रॉब्लम भी कहते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट के निचले हिस्से में जो चर्बी जमा हो जाती है, जिसे हम लोअर टमी या लोअर बेली फैट कहते हैं, उसे रिड्यूस करने में भी मार्जोरम असेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब हम दूसरे इसके बेनिफिट की बात करते हैं, तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है, हमारे दिल को, हमारे दिल के आसपास जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो बहुत बार हमारे LDL, मतलब जो बुरा जो कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ने की वजह से जब वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उन्हें ये ओपन करने का काम करता है, उन्हें ये ब्रॉड बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट तक बहुत प्रॉपरली हो पाता है, और हार्ट से फ्रेश ब्लड निकल करके बहुत ईजीली हमारे जो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको पहुंच पाता है। तो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए मार्जोरम ऑयल एक बहुत 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 ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। नंबर 3 जो बेनिफिट आता है दोस्तों, वो आता है रिड्यूस पेन, मतलब दर्द को निजात दिलाने में ये आपकी मदद करता है। ये मैं आपको सबसे पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि दर्द के लिए ही सबसे ज़्यादा पहले इसे यूज़ किया जाता था, और फिर धीरे धीरे इसे बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा।
आपको किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो हेडेक है या वो बैकएक है या वो नी में दर्द है, या आपको पीरियड्स के दौरान किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप इसका एप्लीकेशन लोकल मसाज के लिए कीजिए। मतलब अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप हेड मसाज लीजिए इससे, अगर आपको बॉडी में किसी जगह पर पेन हो रहा है तो आप बॉडी मसाज लीजिए इससे, तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मसाज करने के लिए इसे कभी भी आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, हमेशा अरोमा एसेंशियल ऑयल्स को कैरियर ऑयल्स के साथ मिला करके यूज़ किया जाना चाहिए। कैरियर ऑयल्स आपके वीट जर्म ऑयल हो सकता है, आलमंड ऑयल हो सकता है, सेसमी ऑयल हो सकता है, ग्रैपसीड ऑयल हो सकता है, एप्रिकोट कर्नल ऑयल हो सकता है। ये वो ऑयल्स हैं दोस्तों जिनके अंदर खुद की कोई खुशबू नहीं होती और जो किसी भी अरोमा एसेंशियल ऑयल की खुशबू को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दोस्तों मार्जरम ऑयल का, वो आता है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। मतलब अगर आपको सांस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, आपकी नोज़ में आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, आपके गले में अगर आपको किसी भी तरह का ब्लॉकेज फील होता है, या आपको कोल्ड, कफ, फ्लू, कंजेशन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जीज़ या किसी भी तरह की आपको सांस से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, वहाँ पर यह आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो आपको हमेशा मार्जरम एसेंशियल ऑयल को अपने बैग्स में रखना चाहिए, अपने वॉलेट्स में रखना चाहिए, अपने क्लचेस में रखना चाहिए, और स्पेशली वो लोग जिन्हें कहीं ना कहीं पर इन्हेलर्स की आदत हो गई है या इन्हेलर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मार्जरम एसेंशियल ऑयल किसी वरदान से कम नहीं है। आपको सिंपली इसे लेना है और इसकी 2 से 3 ड्रॉप्स अपने हैंकी में डालकर या टिश्यू में डालकर इसे डायरेक्ट इनहेल करना है। जब आप इसे डायरेक्ट इनहेल करते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाले किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसे ये निकालने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपको सबसे जल्दी और बेहतरीन तरीके से रिलीफ मिलता है। इसके अलावा लास्ट जो इसका बेनिफिट आता है दोस्तों, वो आता है ये आपके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, उसे बूस्ट करने का काम करता है। जब आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है दोस्तों, तो आप किसी भी बीमारी से बहुत इजीली लड़ पाते हैं, आपके ऊपर कोई भी बीमारी बहुत जल्दी अटैक नहीं कर सकती, और आप बहुत इजीली किसी भी तरह के इन्फेक्शियस कंडीशन को, अनहाइजीनिक कंडीशन को क्रॉस कर लेते हो। ये थे दोस्तों आज हमारे बेनिफिट्स मार्जरम एसेंशियल ऑयल के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके बेनिफिट्स काम करेंगे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। हमेशा ध्यान रखें कि मार्जरम एसेंशियल ऑयल को आप एज अ डिफ्यूज़र जलाइए। अरोमा डिफ्यूज़र के अंदर जब आप मार्जरम एसेंशियल ऑयल्स अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में, अपने जो ऑफिसेज हैं जहाँ वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये आपके घर की हवा को ही बहुत ज़्यादा हाइजेनिक बना देंगे, जिसकी वजह से ये आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम का रहेगा और आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आज आपसे अलविदा लेता आपका अपना नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।